दोस्तों ये है बोलेरो सवारी गाड़ी, और दिक्कत इसके अंदर ये हो रहा है कि स्टार्ट हो रही है और गियर लग रहा है लेकिन गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं। देखिए मैं ना बिना क्लच दबाए गियर डाल रहा हूँ इसके अंदर, बिना क्लच दबाए गियर डाल रहा है। इसमें दो सिचुएशन है कि एक तो या तो इसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो गई या फिर इसका एक्सल टूट गया। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका क्लच सही है, इसका क्लच सही है। कैसे सही है देखिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। इसका मेन शाफ्ट जो है वो घूम रही है, देखिए आपको मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो मेन शाफ्ट है ये घूम रही है, इसका मतलब क्लच बिल्कुल सही है और गाड़ी का एक्सल टूट गया है। अब ये देखने के लिए हम दोनों टायरों का एक्सल खोलते हैं, इस वाले टायर का और इस वाले का एक्सल। तो दोस्तों हमने एक एक्सल खोल के देख लिया, दूसरे वाला खोल रहे हैं हम। ये देख खोलिए, और दोस्तों ये एक्सल टूटा हुआ है, देखिए ये टूटा हुआ एक्सल, और ये टूटा हुआ एक टुकड़ा निकल गया है बाहर और ये पूरा एक्सल अंदर रह गया है। तो दोस्तों इसको निकालने का मैं आपको सीधा सा ट्रिक बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। दोस्तों इस चुम्बक से भी देखो, हम चुम्बक लगा के भी देख रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत भारी है, इसलिए हमको करना क्या है ये रॉड डाल के और इससे ऐसे मारना है जो जहाँ से आगे से कड़ा पिन में टकरा के ये बाहर आ जाएगा। सामने से चोट लगती है तो ये बाहर आगे जाके टकरा के फिर वापस आ जाता है।